राइट एंड लास्ट टाइम वेन वी स्पोक अबाउट दिस थिंग ड्यूरिंग द वेबिनार एंड द फर्स्ट क्लास हमने ये बात पे बात की थी कि जिसमें वेरी इंपॉर्टेंट है कि हमारा ह्यूमन माइंड में हमको मालूम है वी हैव अ राइट एंड लेफ्ट ब्रेन ओके जो लेफ्ट ब्रेन होता है वो हमारा लॉजिकल ब्रेन होता है एंड राइट ब्रेन होता है वो क्रिएटिव ब्रेन होता है ओके सो यूजुअली क्योंकि ह्यूमन बीइंग्स वांट टू बी प्रैक्टिकल एंड वी वॉन्ट टू बी वेरी लॉजिकल एंड फैक्चुअल तो इसलिए हम अपने राइट right ब्रेन को हमेशा दबा के रखते हैं ओके okay. क्योंकि अगर हम राइट uh, ब्रेन right में बात करें या हम यू नो ड्रीमिंग एंड क्रिएटिविटी और ये सब से बात करें तो बहुत बार हमारे अ uh, लोग बोलते हैं आसपास वाले लोग या हमारा खुद का दिमाग हमको बोलता है कि अरे तुम क्या पागल हो पूरे टाइम यही करोगे तो इससे क्या कमाओगे या इससे क्या कर लोगे तुम बड़ा है ना तो इसके लिए इट इज इंपॉर्टेंट टू रिमेन लॉजिकल एंड फैक्चुअल राइट सो ये एक तर, ये एक रीजन होता है जहां पे हम सेपरेशन में चले जाते हैं ओके okay? क्यों सेपरेशन में क्योंकि अगर हम जैसे बोलते हैं ना दिल दिमाग से नहीं सोचो दिल से सोचो तो हम दिल जो है हमको हमेशा कनेक्ट कराता है लोगों से और दिमाग जो है वो हमको लोगों से दूर करता है राइट right? तो वो दिमाग कौन सा दूर करता है हमको हमारा लेफ्ट ब्रेन क्योंकि वो हमको लॉजिक पे चलने को बोलता है वो हमारे को अपने बारे में सोचने के के लिए बोलता बोलता है है वो हमको बोलता है कि नहीं तुम दूसरों का, दूसरों का बारे में सोचोगे तो फसोगे। या बेकार है राइट सो दैट इज वॉट हैपन इज तो अगर हम ये दोनों ब्रेन में बैलेंस लाएंगे सिनर्जी लाएंगे तो कहीं ना कहीं हम अपनी जर्नीज को अच्छी तरह से कर पाएंगे सो so, कभी भी जब हम जर्नी करेंगे जो हम बाद में करेंगे आपका लेफ्ट ब्रेन आपको बोलेगा कि आप जो है ये बना रहे हो यू आर जस्ट मेकिंग अप थिंग्स ऐसा नहीं है इट इज जस्ट यू नो आपने एक पिक्चर बना ली है एक्चुअली ऐसा नहीं है बट यू हैव टू अलाउ यू हैव टू जस्ट बिलीव दैट वॉट एवर यू आर सींग इनिशियली आपको हो सकता है इट मे बिकम यू नो वेयर यू आर स्केचिंग अप थिंग्स लेकिन इफ यू विल बिलीव इन इट स्लोली स्लोली आपको चीजें वैसे दिखने लगी ओके सो जस्ट हैव अ ट्रस्ट इन दैट ओके एंड ये शामन का वर्ड जो ओरिजिनली साइबेरिया से आया है लेकिन बेसिकली शाम आर द पीपल जो मेडिकल प्रैक्टिशनर्स लोग बोल सकते हैं पहले के जमाने के या पीपल हुआ आर्टिस्ट हुआ पोएट्स हुआ, पोएट्स, हुआ आ, हेल्पर्स हुआ हीलर्स उनको शामन बोलते हैं पर आप शामन नहीं बन जाओगे आप बनोगे शामनिक प्रैक्टिशनर ही क्योंकि इज अ वेरी बिग वर्ड बेसिकली ओरिजिनली दे हर दे मतलब बहुत सारी क्या बोलते हैं ना जैसे कि आप एक प्रीस्ट हेड को बनने के लिए बहुत सालों तक वो, वो चीजों को का पालन करना पड़ता है बहुत से चीजों का उसको पढ़ाई करनी पड़ती है बहुत सी चीजें सीखनी पड़ती है वो एक शामन करता है तो आप जो बनोगे ये कोर्स करने के बाद यू यू विल बी अ शामनिक प्रैक्टिशनर दैट इज शुड अंडरस्टैंड बिकॉज आर मेनी टाइम्स दे आर ऑल्सो लेगेसी है दे बिलोंग टू दैट यू नो मतलब थर्ड जनरेशन शामन सेकेंड जनरेशन शामन ऐसे भी हैं जिनके पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स ऐसे थे हु फ्रॉम दैट ओके

अब आप बोलोगे कि ईस्टर्न वर्ल्ड में क्यों नहीं होता है क्योंकि ईस्टर्न वर्ल्ड में कहीं ना कहीं हमारे पास ये प्रैक्टिसेस हैं जहां पे हम नेचर से कनेक्टेड है या हम ये चीजों पे चीजें करते थे सो दो प्रैक्टिस रिचुअल्स बिलीफ आर स्टिल देयर ओनली आजकल क्या हो गया दे बिकम मोर ऑफ अ रिलीजन है ना तो जब वो रिलीजन के फॉर्म में हो जाती है तो दैट इज नॉट शामिनिज्म शामिनिज्म इज नॉट रिलीजन It is a spiritual thing where you're not believing in any faith, any kind of you are Christian or uh, Hindu or Muslim. It's nothing like that. So these are spiritual practices which has nothing to do with religion. Okay. And we are, uh, we also call sometimes animistic. Animism is also shamanism, but it is, of uh, बिकॉज एनिमिस्टिक पीपल जो हमारे फोर फादर्स थे या जो हमारे दे ऑल्सो बिलीव के एनिमल्स प्लेस इंसेक्ट पर्सन हर ऑब्जेक्ट में स्पिरिट है दैट इज वॉट इज एनिमिज्म सो वर्ड अगर कोई एनिमिज्म यूज करता है दैट इज लाइक शामनिज्मलीके ओके अब हमने लास्ट टाइम दो वो की थी बट दिस टाइम ओके हम तीन तरह की तीन तरह की जर्नी करेंगे अपर वर्ल्ड एंड मिडिल वर्ल्ड एंड लोअर वर्ल्ड की अपर वर्ल्ड मतलब हम यहां पे ये तीन ये वर्ल्ड टर्म दिया गया है तो वर्ल्ड मतलब दुनिया राइट right? तो हमारी दुनिया को हम तीन विभाजन में कर रहे हैं ओके okay? तो हमारी दुनिया जो जिसपे हम रह रहे हैं, हम इंसान लोग वो हमारा मिडिल वर्ल्ड है ओके okay? अपर वर्ल्ड है जो ऊपर है जहां आप कह सकते हो आप आकाशिक रिकॉर्ड्स की बात करते हो या एनसेस्ट ये आपके एनसेस्टर्स रहते हैं गॉड God, गॉडेस रहते हैं एंजल्स रहते हैं आर्क एंजल्स रहते हैं वो सब दैट इज द अपर वर्ल्ड और धरती के नीचे जो जाते हैं है ना उसमें उसको हम लोअर वर्ल्ड बोलते हैं जो अंडर वर्ल्ड अफकोर्स हमारे दिमाग में ये प्रथा है या हमारे दिमाग में ये थॉट है कि अंडरवर्ल्ड जो है वो बुरा होता है ना कहीं ना कहीं हमको लगता है ना कि भाई जो नीचे है वो अच्छा जगह नहीं है या जिसको पनिशमेंट मिलती है उसको नीचे डाल दिया जाता है ऐसा नहीं है अंडर वर्ल्ड मिडल वर्ल्ड अपर वर्ल्ड सब वर्ल्ड अच्छे हैं एक समान है कोई अंतर नहीं है उनमें इनफैक्ट मिडल वर्ल्ड में हम रहते हैं इसलिए बहुत सारी चीजें यहाँ पे गड़बड़ है ओके okay. और अपर वर्ल्ड और लोअर वर्ल्ड तो बहुत अच्छे हैं ओके okay. सो so, ये वर्ल्ड इस हिसाब से डिवाइड नहीं हुए हैं कि भाई उनमें कुछ गड़बड़ी या कुछ अलग है इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ यू नो हाउ टू एक्सेस द वर्ल्ड एंड वॉट फॉर वॉट प्रॉब्लम्स हम किस वर्ल्ड में जाएंगे उसके लिए पातालो सम हाँ लेकिन कहीं ना कहीं हमको लगता है ना पातालो मतलब के पाताल में कौन जाता है हाँ, प, शास्त्रों में बहुत वर्णन है हाँ करेक्ट हाँ, करेक्ट करेक, राइट so, सो पाताल लोग में एक जाने का तरीका है मतलब इट्स वेरी बहुत इंटरेस्टिंग है जब आप जर्नीज में जाओगे तो हम किस तरह से पाताल लोग में घुसते हैं किस जगह से घुसते हैं एक्सेस से फिर वो किस तरह से हम उसके अंदर अंदर घुसते हैं तो हम वहाँ पे कैसे आगे आगे बढ़ते हैं क्योंकि अभी तक तो क्या है आप यहाँ पे मिडल वर्ल्ड में रह रहे हो आपको टाइल्स है सीमेंटेड रोड्स है आपके आ, अर्थ पोल्स है आपके लाइट पोल्स है आपके ये सब है तो आपको आदत होती है वो सब चीजें देखने की लेकिन जब आप वो पताल लोग में जाओगे तो वहां पे जो धरती है या जो भी उबड़ खाबड़ जो भी जमीन है वो ऐसी नहीं होगी जैसी आपको यहाँ पे दिख रही है तो वो आपको कई बार ऐसा होगा क्योंकि आप यूज टू हो आप मिडिल वर्ल्ड में रहने के तो आप बहुत सी चीजें वहां पे फिर भी देखोगे या आप मिडिल रियलिटीज लेके जाओगे हम मिडिल वर्ल्ड रियलिटीज बोलते हैं तो वो सब आपको सिखाया जाएगा बहुत इंटरेस्टिंग है जिस तरह से हम ये वर्ल्ड में जर्नी करते हैं और हम जब जर्नी करते हैं तो हम बहुत से लोगों को यूज करते हैं ओके तो हमको वहां पे जानवर मिलेंगे जिनको हम यूज करेंगे प्लांट्स को यूज करेंगे ट्रीज को यूज करेंगे स्टोन uh, है क्रिस्टल्स है uh, अलग अलग तरह की चीजें हैं ऊपर आप जाओगे तो आर के एंजल्स को यूज करोगे या एंजल्स को गॉड God, गॉडेस को भी यूज कर सकते हो एंसेस्टर्स को यूज कर सकते हो तो दे विल बी आर गाइड्स स्पिरिट गाइड्स जो हम इस जो इस जर्नी पे हमको लेके जाएंगे ओके okay? सो so, ये ये सब जो मैंने बात बताई कि अपर वर्ल्ड में ये सब रहते हैं जो जिनका हमको मालूम है ऑफकोर्स हम बात करते हैं अपने शास्त्रों में भी अपने ये सब चीज रिलीजन में भी और मिडल वर्ल्ड में जो हम हम जहाँ पे रह रहे हैं जो अर्थ स्पिरिट्स है राइट right? और ये अलग अलग लोअर वर्ल्ड में अलग तरह के एनिमल्स होते हैं अलग तरह की चीजें होते हैं सो so, ये सब चीजें हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे ओके okay. और ऑब्वियसली जब आप ये सब जगह पे जाओगे तो आप कैसे जाओगे तो आपको ट्रांस स्टेट में जाना पड़ेगा है ना क्योंकि आंखें खोल के तो आप नहीं जा सकते उसके अंदर है ना तो कहीं ना कहीं आपको अपनी आईज़ को बंद करना पड़ेगा आपको थोड़ा बहुत सेमी कॉन्शियस या कॉन्शियस उस, उस जो आपकी जो कॉन्शियसनेस है उसको उससे दूर जाके ट्रांस स्टेट में जाना होगा लेकिन यू हैव टू बी फिजिकली प्रेजेंट आई कि आपको पैसिव मेडिटेशन नहीं करनी है एक्टिव मेडिटेशन करनी है ओके okay? तो हम इसमें म्यूजिक भी चलाएंगे दे देर इज अ ड्रमिंग का uh, होता है हम ड्रम्स यूज करते हैं कई लोग घंटी भी यूज करते हैं रैटल्स भी यूज करते हैं आई मीन मैं तो कुछ भी यूज करती हूँ बट आई विनिशियली मे बी हम लोग एप्स चलाएंगे इसके अच्छे एप्स मिलते हैं सो वी कैन और हम ड्रमिंग uh, के एप्स होते हैं दस मिनट के पंद्रह मिनट के तो वो जर्नी के दौरान और फिर जब वो जर्नी से वापस आना होता है उसका भी एक टाइम पीरियड होता है जब हम वो जर्नी में जाते हैं तो वो उस हिसाब से उसके बीट्स चेंज होते हैं तो वो सब आपको सिखाया जाएगा वो सब हम करेंगे साथ में करेंगे बट आई टेलिंग यू हमारा फर्स्ट ही क्लास है तो किस तरह से हम लोग वो उस पर जाएंगे तो उसमें हम ड्रम्स है रेटल्स है ये सब यूज करते हैं और वो एक पर्टिकुलर बीट पे बीट किया जाता है जिससे कि वी आर देयर इन थीटा वेव थीटा स्टेट पे हम लोग पहुंच जाते हैं सो so, आपको पता है आपने थीटा अगर हीलिंग सीखा है या कुछ भी कि हाउ उसमें जो भी हम चेंजेस करते हैं या जो भी हम हीलिंग करते हैं वो अच्छी एडवांस होती है और वो इमीडिएट होती है ओके okay? सो so उस तरह से इसका इफेक्ट जो है वो काफी अच्छा होता है शामिक ओके okay? और इसमें आप कोई भी तरह की हीलिंग कर सकते हो चाहे वो फिजिकल बॉडी है आपके एनर्जी बॉडी है स्पिरिचुअल बॉडी है आपके मेंटल इश्यूज हैं या कुछ भी है एनी थिंग यू कैन हैंडल फॉर योर सर्फ एंड फॉर योर क्लाइंट्स ओके